enough time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that. And still I'm caught by surprise. खाली टाइम में नई नई रेसिपीज को पढ़ना और कुछ एक्सपेरिमेंट करना खाने में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे खाना बनाना ना मेरी नानी जी ने सिखाया था। जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी तो मम्मी ने मुझे मेरी नानी जी के यहाँ 3 मंथ्स के लिए छोड़ा था, तो उन्होंने ही मुझे सारी चीजें सिखाई। और ऐसे नहीं कि सिंपल वे में सिखाई, नानी जी ने मुझे सारी चीजें ना बड़ी साइंटिफिक तरीके से सिखाई है, तो वही सब मैं करती रहती हूँ खाली टाइम में। कुछ ना कुछ खाली टाइम, देखो वैसे तो अगर हम कहें तो बहुत कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मेरा एक पैशन है कि मैं कुछ नई नई रेसिपीज में ना बनाऊं, कुछ एक्सपेरिमेंट करूं। अब थोड़ा सा घर पे रहती हूँ, पहले तो जैसे जॉब वगैरह में रहती थी, अब थोड़ा सा घर पे रहती हूँ तो इन सारे कामों को करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है, तो इंजॉय करती हूँ मैं सारी चीजें। किचन में मेरा काम बिल्कुल नहीं चल सकता अगर एक वेजिटेबल चॉपर ना हो, तो उसी के बारे में बता रही हूँ आज मैं आपको। वेजिटेबल चॉपर एक ऐसी चीज है जो किचन में हमारे काम को बहुत आसान भी बनाता है और टाइम भी सेव करता है। और जहां तक मैं अपनी बात बताऊं, मैं किचन में अपने काम को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती स्टूल के बगैर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं जिसमें कि मैं एक रिव्यू दूं आपको कि कौन सा वाला चॉपर सही है, क्योंकि मेरे पास काफी सारे वेजिटेबल चॉपर्स हैं और एक तो मैं लेकर भी आई थी और उसे वापस भी किया है, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी सी चीज जब उसे यूज किया था तो उसकी क्लिपिंग्स भी मेरे पास है, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल चॉपर को अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक तो हो जाता है मैनुअल और एक हो जाता है इलेक्ट्रिक। मैनुअल और इलेक्ट्रिक के बाद एक और चीज जो मैं आपको बताऊं जिससे ये सारे जितने भी हमारे चॉपर्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, उसमें होता है इनका कंटेनर। कंटेनर का टाइप कि वो किस टाइप का है, उनके ब्लेड्स, नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, मतलब, और दूसरा कि वो हम जो चीज उसमें डालते हैं उसे कितना चॉप करते हैं। सबसे पहले आते हैं कुछ इस तरह के मैनुअल चॉपर्स। इन मैनुअल चॉपर्स में 3 पार्ट होते हैं। एक होती है लिड जो कि अंदर एक ब्लेड में फंसी रहती है और ये ब्लेड्स हैं, और नीचे आ जाता है कंटेनर। अगर मैं बात करूं ब्लेड्स की तो नॉर्मली इसमें अगर आप एक नॉर्मल लेंगे, जितने भी मेरे पास ये 2 हैं, इसमें जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं ये 3 होते हैं, और जो कंटेनर का साइज होता है वो इतना होता है कि आप इसमें एक, मतलब एक फैमिली के लिए जिसमें कि 4-5-6 लोग हैं उनके लिए अगर आप कोई भी चीज इसमें चॉप करते हैं तो आराम से इसमें चॉप हो जाती है। एक जो इसकी लिड होती है ये जो है इसी में ब्लेड्स में फंस जाती है और इसमें एक रोप लगी रहती है जिसको कि खींचा जाता है। जब इसको खींचते हैं तो नीचे से ये बॉल घूमती है जो कि ये ब्लेड्स को घुमाती है और हमारी जो भी इसमें वेजिटेबल होती है वो चॉप हो जाती है। कंटेनर के साइज के बाद अगर मैं बात करूं इसके फंक्शनैलिटी की, तो फंक्शनैलिटी में मैं इसको पूरे नंबर दूंगी, क्योंकि मैं इस वाले चॉपर को करीब 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूं। बहुत ही रफ यूज होता है, खूब खींच के मैं इसमें काम करती हूं और ये अभी तक बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। बस हुआ क्या, इसका जो साइड में ये कंटेनर है ना जिसके अंदर हम रखते हैं, ये कई जगह से यहां से क्रैक हो गया है, टूट गया है ये, लेकिन इसके इसको टूटने के बाद भी ये यूज होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि इसकी जो ये रोप है ये टूट जाती है, तो क्या ये रिप्लेसेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि कहीं से भी इसको खोलने का ऑप्शन नहीं है। अगर ये कहीं से खुल जाता है तो शायद इसकी ये रोप चेंज हो सकती है। इनका जो प्राइस रेंज है, मतलब ये 150-200 से स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैं ये यूज कर रही हूँ काफी सालों से, 2 सालों से, ये नोवा ब्रांड का है और ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से लिया था। आजकल आपको लोकल शॉप पे ये कई मतलब प्राइजेस में मिल जाएंगे। और दूसरा, अब ये बड़े या छोटे कंटेनर्स में भी आते हैं, इसके कंटेनर बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं, तो आप अपने फैमिली साइज के और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं। इसको बिल्कुल आंख बंद करके आप एक अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। तो ये था पहला मैनुअल चॉपर।
ये है इलेक्ट्रिक चॉपर की रेंज में एक छोटा सा चॉपर जो कि यूएसबी ऑपरेटेड है। इसके साथ आती है एक केबल जिसे कि आप जो है चार्ज कर सकते हैं बड़ी आराम से, ये जैसे फोन चार्ज करते हैं ऐसे हो जाता है। और इसके दो पार्ट हैं देखिए इस तरह से, और इसमें जो ब्लेड्स हैं वो भी तीन ब्लेड हैं। कंटेनर का साइज थोड़ा सा छोटा है। अगर मैं बात करूं जैसे मुझे कई बार जैसे मसाले के लिए प्याज या गाजर टमाटर इसमें अगर चॉप करने रहते हैं तो मुझे वो दो बार करने पड़ते हैं। आप इसको जो है पूरा फिल अगर करके इसे यूज करेंगे तो ये नहीं चलता है, आपको यहां तक मतलब इसको थोड़ा नीचे तक ही भरना रहता है। मैं सजेस्ट करूंगी हाफ से बस थोड़ा सा आप इसे फिल करिए। अगर इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी होती तो शायद ये और यूजफुल आइटम मेरे लिए होता। दूसरा इसका मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ, इसकी जितनी भी इसकी मैकेनिज्म है वो इसमें है, इसके ऊपर वाले इस पोर्शन में। तो जब कभी भी हम इसे वॉश करते हैं तो एक डर रहता है कि जब हम इस हिस्से को वॉश करेंगे तो कहीं इसमें पानी जाने से ये खराब ना हो जाए, जिसकी वजह से इसे बहुत केयरफुली क्लीन करना पड़ता है। जबकि जो हमारे मतलब अगर इसमें यहाँ पे कुछ और अगर ऊपर लगा होता, कुछ कैप लगी होती और उसके बाद हम इसको रखते तो शायद ये वाला पार्ट इतना हमें क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं बात करूँ फंक्शनैलिटी की, बहुत अच्छा है, बड़ा हैंडी है। इसमें जैसे आपको खींचना पड़ता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं खींचना पड़ता, बड़े आराम से एक बटन आप दबाते हो और चीज़ें इसमें अच्छे से चॉप हो जाती हैं। चॉप बहुत बढ़िया होती हैं, जितनी अच्छी इसमें चॉप होती हैं मतलब बहुत अच्छी इसमें चॉपिंग होती है, चाहे आप गाजर ले लो, इसमें प्याज ले लो, शिमला मिर्च, या मैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चॉप कर लेती हूँ, सब आसानी से चॉप हो जाती हैं बिल्कुल उतने ही अच्छे तरीके से। इसमें बिल्कुल बारीक दाने वाले बहुत अच्छी तरीके से चॉप होते हैं। इसका प्राइस शायद ये भी 300 से 400 के बीच की रेंज में होता है। जैसे जैसे इनके कंटेनर के साइज बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही इनके प्राइस बढ़ते जाएंगे, और जो इसका कंटेनर है ये प्लास्टिक का है। अब आता है ये एक और चॉपर जो कि मैनुअल है, और इसे जब हम ऊपर से प्रेस करते हैं तब इसमें जो इसमें नीचे जो भी हम वेजिटेबल डालते हैं, एक्चुअली इसमें कोई भी वेजिटेबल नहीं डालते हैं, ये बेसिकली गार्लिक को चॉप करने के लिए है, लहसुन को। तो इसके भी जो पार्ट है एक ये है और ब्लेड्स हैं इसमें नीचे, इस तरह से ब्लेड्स दिए हुए हैं, इस तरह की लिड है और नीचे ये छोटा सा कंटेनर है, क्योंकि गार्लिक इतनी ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में क्रश करना चाहते हैं तो मतलब उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ अगर क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है तो इसमें गार्लिक क्रश हो जाते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक चॉपर की रेंज में, जिसमें कि मैं आपको एक यूएसबी ऑपरेटेड दिखा ही चुकी हूँ। अगर इलेक्ट्रिक चॉपर की बात करें तो इससे पहले मैं एक बजाज का लेकर आई थी जिसमें कि दो ब्लेड्स थे। मैं इलेक्ट्रिक चॉपर के को मैंने इसलिए लिया क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे तो इसमें काम हो जाता है लेकिन कई बार थोड़ी सी हमें ज़्यादा सब्जियां चॉप करनी रहती हैं, जबकि जो ये वाले होते हैं ना, ये जो मैनुअल चॉपर्स होते हैं, ये जो बड़े भी होते हैं ज़्यादा ब्लेड्स होते हैं तो उसमें आपको ये जो ऊपर रोप दी हुई है, रस्सी दी हुई है, ये थोड़ी ज़्यादा खींचनी पड़ती है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दम लगानी पड़ती है और बहुत अच्छे से चीज़ें चॉप नहीं हो पाती हैं। इसलिए कई बार जब ज़्यादा प्याज या सब्जियां आपको चॉप करनी है तो मुझे ऐसा लगा बड़े कंटेनर साइज का मैं एक इलेक्ट्रिक चॉपर लूं, जिसमें बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़े और हमारी सब्जियां अच्छे से चॉप भी हो जाए। तो मैं जो ये दो ब्लेड का लेकर आई बजाज का चॉपर, ये बिल्कुल भी सही इसलिए नहीं निकला क्योंकि इसमें कंटेनर का साइज तो अच्छा था, लेकिन जब मैंने इसमें प्याज वगैरह कट करने के लिए सब्जियां डाली तो वो ऊपर के साइड से तो चॉप हो गई लेकिन बहुत अच्छी चॉप नहीं हुई, और जैसे चॉप जो होता है वो बिल्कुल बारीक हो जाता है उस तरह से नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हमने नाइफ से वो पतला पतला कट किया है, और देखिए बिल्कुल भी ये मुझे सही नहीं जचा, इसलिए मैं इसको वापस करके आई। तो उसे रिटर्न करने के बाद में ये इलेक्ट्रिक चॉपर में लेकर आई। अब मैं आपको अगर अपना रिव्यू दूं, अपने अकॉर्डिंग रिव्यू दूं, देखिए ये कोई रूल नहीं है, मैं सिर्फ अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूं। हो सकता है आपके जो इसमें रिव्यूज हों या आपके जो इसमें आपका ओपिनियन हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। दो ब्लेड में क्या होता है, आपकी सब्जी जो ऊपर है और नीचे है, दो ब्लेड जो होते हैं वो केवल नीचे के साइड होते हैं। जैसे ही चॉपिंग स्टार्ट होती है वो नीचे की जो भी सब्जियां हैं या जो भी प्याज टमाटर है उसको तो अच्छे से चॉप कर देती है, लेकिन जो ऊपर होती हैं कोई ऐसा रोटेशन मैकेनिज्म नहीं होती कि ऊपर वाली नीचे आके फिर वो फ्लो बना रहे और ऊपर की चीजें भी अच्छे से चॉप हो जाएं।
एज अ रिजल्ट नीचे की जो सब्जियां हैं वो तो चॉप हो जाती हैं, लेकिन ऊपर वाली जो है वो बहुत अच्छे से चॉप नहीं हो पाती हैं। दो ब्लेड वाले इलेक्ट्रिक चॉपर की मैं बात कर रही हूं, और उसमें चॉपिंग इतनी फाइन नहीं होती है जितनी फाइन चॉपिंग इस मैनुअल चॉपर में या इस यूएसबी ऑपरेटेड चॉपर में होती है, जो कि बिल्कुल बारीक, बराबर और बहुत अच्छी चॉपिंग होती है। इसलिए वो दो ब्लेड का मैंने रिटर्न किया और मैं लेकर आई ये ग्लेन का फोर ब्लेड का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चॉपर के संग क्या होती है, इस तरीके की केबल होती है, इनके वॉट्स होते हैं, कितने वॉट का ये है, एग्जैक्ट वॉट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने इसलिए लिया, मतलब इलेक्ट्रिक चॉपर मैंने इसलिए लिए थे कि इनके कंटेनर का साइज काफी बड़ा होता है, तो इसका साइज देखिए काफी बड़ा है। इसमें आप आराम से 6-7 मीडियम साइज जो प्याज हैं उनको चॉप कर सकते हो। इसका एक पार्ट तो होता है ये, देखिए जिसके साथ आपकी जो है केबल लगी हुई होती है, ये ग्लेन ब्रांड का है, और इसमें ऊपर से दबाना पड़ता है जिससे चीजें जो है अच्छे से चॉप हो जाती हैं। अब इसके बाद इसमें आती है यहां पे एक लिड, इस तरह से कवर करने के लिए। बिल्कुल वही चीज है, अगर यहां पे लिड नहीं लगी होगी और डायरेक्टली इसको यहां पे लगाया जाएगा, उससे ये पार्ट गंदा हो जाएगा, जिसको कि हम वॉश नहीं कर सकते हैं, पानी जाएगा तो उसके खराब होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये चीज मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, जबकि ग्लेन के अलावा मैं जो दूसरे ब्रांड देख रही थी उनमें ऊपर इस तरीके की लिड नहीं थी। डायरेक्टली जो ये ऊपर की मोटर है ये इसी से अटैच थी, जिसको वॉश करने से मतलब वही दिक्कत होती। तो इसमें ऊपर एक लिड लगी हुई है कि जो भी सामान अंदर पिसेगा वो जो है इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। उसके बाद जो इसमें ब्लेड्स हैं वो इस तरह से हैं, देखिए। अब ये जो ब्लेड्स मैं आपको दिखा रही हूं ये अलग अलग भी हो जाते हैं, यानी अगर आपको कम चीज लेनी है, आपको जो केवल नीचे है थोड़ी सी ही आपकी अनियन जो भी वेजिटेबल है वो है, तो आप दो ब्लेड का यूज कर लीजिए, तो उससे वो नीचे की चीजें जो है चॉप हो जाएंगी। और अगर आपको ज्यादा इसमें चॉपिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ब्लेड्स को इस तरह से लगा सकते हो और फिर आप इसमें अटैच कर सकते हो। विस्कर भी है, देखिए ये जैसे कि आप कोई शेक वगैरह बना सकते हो तो बनाना चाहते हो तो इसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन जिन चीजों में आप अनियन वगैरह आप करते हो ना यूज, उनकी एक स्मेल रह जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब कभी भी आप क्लीन करें तो क्लीन करके इसे ड्राई होने के लिए छोड़ें, और क्लीन इसे कम से कम दो बार करें, नहीं तो जो प्याज की खुशबू होती है या जो भी आप इसे स्मेल जो होती है वो इसमें रह जाती है। जब आप इसमें, अगर आप चाहें कि मुझे दूध वगैरह का कुछ शेक बनाना है तो उसमें उसकी जो स्मेल है वो जा सकती है। अब एक कंफ्यूजन होता है कि क्या इलेक्ट्रिक चॉपर और जो इस तरीके के हमारे मिक्सर होते हैं, जैसे मेरे पास ये वंडर शेफ का है, तो क्या ये सेम होते हैं? ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते। जो इस तरीके के मिक्सर ग्राइंडर वंडर शेफ के हैं, ये एक्चुअली चीजों को बिल्कुल पीस देते हैं बारीक, इसमें चॉपिंग नहीं होती है। जबकि हम जो बात कर रहे हैं वो चॉपिंग की कर रहे हैं, यानी कि हमें उसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें चॉप करना है। अब चीजें ले तो लो, लेकिन अगर उनके रखने की सही जगह आप नहीं बनाओगे ना तो उनका यूज करना भी बेकार है। इसलिए मैंने ना एक पूरी ड्रॉअर बना रखी है जिसमें मेरे सारे किचन के टूल्स रहते हैं, तो वो ना काम करना बहुत आसान हो जाता है जब ये सारी चीजें आप मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो। यहाँ पे है ड्रॉअर, क्योंकि होता क्या है मैं यहीं पे ही अपनी सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट करती हूँ ना, तो यहीं से चॉपिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ अपने वर्क स्टेशन पर, जो कि मेरे हॉब के बिल्कुल पास में है। आप लोगों से एक वीडियो में, पिछले वीडियो में ही मैंने शेयर किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर कोई भी बात इसमें आपको काम की लगी हो ना तो एक लाइक जरूर करना और शेयर करना, कमेंट करना। आजकल कमेंट के रिप्लाई थोड़े से लेट हो रहे हैं लेकिन होंगे जरूर, पढ़ तो सारे ही लेती हूँ लेकिन कभी कभी कमेंट बहुत बड़ा होता है तो मुझे लगता है कि मैं इक्वली ही रिस्पॉन्ड करूँ, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं पढ़ के छोड़ देती हूँ, फिर किसी वीडियो में उनके आंसर करती हूँ। तो जल्दी से ही उनके जो एक मेरे वीडियो के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उनके रिप्लाई के लिए मुझे एक वीडियो और बनाना है, जल्दी ही बनाऊंगी, तो कमेंट करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।